Good morning ladies and gentlemen how are you i hope you are doing very fine and also you are enjoying our online classes all right so very good morning to all of you again today we are going to study a very interesting poem that is the name of the poem is hivatha what is the name of hivatha ओके सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ यू नो कॉम्प्लिकेटेड पोएम थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है ठीक है इसको पढ़ने में तो इसको मैंने पढ़ाने के लिए एक थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया है क्या कि इसके जो वर्ड्स मीनिंग है इसको मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको पोएम पढ़ते वक्त आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो क्लियर है तो पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग पे ध्यान देते हैं ये जो वर्ड्स मीनिंग है ये सारे पोयम के अंदर आने वाले हैं तो इट्स बेटर कि हम इसका मीनिंग पहले से ही जान लें ठीक है ना बेटा चलो स्टार्ट करते हैं पहला है विग वैम विग वैम देखो पहले कोई भी इंग्लिश का वर्ड्स आता है परेशान नहीं होना है उसमें उसको दो चीज हमेशा कोई भी चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो एस हो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको पहली बार कोई वर्ड्स आपके सामने आता है जिसको आपने ना पढ़ा है ना जाना है उसको उसके साथ दो चीज करना है कौन कौन सा पहला उसको प्रोनाउंस करना है मतलब उसका उच्चारण करना है ताकि उसका उच्चारण सही से बोल पाए पहली बार में क्योंकि पहली बार ही अगर आपने गलत बोल दिया तो हो सकता है कि उसको सुधारने में बहुत टाइम लगे पहला चीज दूसरा चीज उसका मीनिंग मीनिंग आपको उसी समय देखना पड़ेगा इज नहीं देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में जाके वो आपको भूल जाएगा क्लियर है ना तो दो चीज ध्यान में रखना है कोई भी नया वर्ड्स आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन एंड इज वर्ड मीनिंग ठीक है स्टार्ट करते हैं पहला है विग वैम इसका क्या मतलब होता है अमेरिकी आदिवासियों की झोपड़ी पहले के टाइम पे क्या था ना जैसे आदिवासी आज के टाइम पे भी लोग आदिवासी रहते हैं जंगल के बीचों बीच रहते हैं उनके पास कोई पक्का मकान नहीं रहता है जैसे हम लोग पक्के मकान में रहते हैं ना वैसा मकान नहीं होता है उनके पास हट होता है झोपड़ी होता है वे लोग उसमें रहते हैं बीस्ट मतलब जानवर या इसको कह सकते हैं हम लोग जंगली जानवर बीवर्स मिस होता है उद एक तरीके का जानवर है मैं इसको दिखाता हूँ फोटो आप ये देख सकते हैं ना ये वाला फोटो है ये वाला जो ये ना ये ये वाला ये इसको बोलते हैं उद क्लियर है चलो लॉजेस लॉजेस में होता है रहने की जगह क्लियर है अकॉन्ट्स अकॉन्ट्स एक तरीके का नट होता है जिसको गिलहरिया खाती है जैसे आप फोटो में देख सकते हैं ना ये होता है क्लियर है Next है ना चलिए नेक्स्ट रेंडियर रेंडियर इट्स अ काइंड ऑफ हिरन डियर इसको बोल सकते हैं एक तरीके का हिरन होता है जिसे आप देख सकते हैं फोटो में ये येरन है इसको हम रेंडियर भी बोलते हैं नेक्स्ट है, आपका स्विफ्टली इसका मतलब होता है तेजी से आप शायद आपके घर पे कार होगा स्विफ्ट उसके नाम से आपको पता होगा क्योंकि स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी से स्विफ्ट कार मारुति का एक स्विफ्ट कार आता है ना जब भी आप आपके आप देखें मारुति कार स्विफ्ट तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्विफ्ट मतलब तेजी से क्लियर है बेटा तो हमने ये वर्ड्स मीनिंग जान लिया है अब इसको पढ़ते हैं अब हमको चैप्टर जो पोयम है बहुत ही आसान लगेगा देखो पोयम का करेक्ट प्रोनाशिएशन पोएम होता है पोएम ठीक है लेकिन हम लोग इसको इतनी बार पोयम पोयम बोल दिए हैं ना कि पोयम बोलने पे गलत होता है लेकिन आपको जानकारी में होना चाहिए कि पोयम पोयम बोलना गलत है पो अम होता है पो अम क्लियर है चलो <coughs> स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड हिवाता वॉज यंग रेड इंडियन बॉय हिवाता क्या था रेड इंडियन बॉय अब रेड इंडियन बॉय से मतलब अब ये मतलब ना निकाल दीजिएगा कि एक इंडियन बॉय है एक भारतीय लड़का है जो कि लाल है नहीं हुआ क्या था ना कि जब कुछ लोग हिस्ट्री के टाइम पे, पुराने टाइम पे जब कुछ लोग अमेरिका की खोज करने निकले थे और वो लोग कुछ लोग अमेरिका की खोज करने निकले थे कुछ लोग इंडिया की खोज करने निकले थे कुछ लोग और देश की खोज करने निकले थे तो जब खोजते खोजते गए तो वहाँ पे उनको ना कुछ लोग मिले तो उनको लगा कि ये इंडियन है जबकि वो थे क्या थे अमेरिकन थे तो उनको बोल दिया और देखने में थोड़ा से मतलब साउंडले से थे जैसे इंडियन लोग क्या होते हैं ऑलमोस्ट ब्राउन कलर के होते हैं तो उन्होंने उनका नाम दे दिया रेड इंडियन तो रेड रेड इंडियन से कभी भी मतलब ये मत निकालिएगा कि रेड रेड इंडियन मतलब इंडिया के लोग नहीं रेड इंडियन मतलब अमेरिका के लोग स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के लोग क्लियर है ना ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस इन अ वैम वो अपने दादी माँ के साथ उनकी दादी माँ का नाम क्या है नोकोमिस। एक विगवाम वैम है एक देख सकते हैं ये झोपड़ी को ही वीग वैम बोलते हैं वे वह हिवाता अपनी दादी के साथ एक रेड इंडियन बॉय है वह अपनी दादी नोकोमिस के साथ एक झोपड़ी में रहता है नोकोमिस थॉट हिवाता अबाउट द वंडर्स अराउंड और उसकी जो तो दादी है हिवाता को चूँकि वे लोग जंगल में रहते हैं तो जंगल में क्या होता है पेड़ बर्ड्स एनिमल्स तो जो भी आस पास के जो एनिमल्स हैं जो भी पेड़ है जो भी बर्ड्स है उसके बारे में उसकी दादी माँ उसको सिखाती है शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स द ट्रीज द इंसेक्ट्स द बर्ड्स द एनिमल्स एंड मैनी अदर थिंग्स तो उसकी जो दादी माँ है ना हिवाता को सब कुछ बताती है स्टार्स के बारे में ट्रीज़ के बारे में इंसेक्ट्स के बारे में बर्ड्स के बारे में एनिमल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दादी मौलस को बताती है हीवाता ग्री अब टू लव दम ऑल ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू ई हीवाता धीरे धीरे जंगल में बड़ा होता है और वह बर्ड्स के साथ एनिमल के साथ बात कर सकता है ठीक है और उनकी बातें समझ सकता है इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो बर्ड्स हैं जो एनिमल्स हैं वे भी हिवाता से बात करते हैं क्लियर है ना हमको यहां तक तो समझ में आ गया अब हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं चलिए देन द लिटिल हिवाता लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज और इस इस तरह क्या हुआ दादी माँ ने उसको सिखाना शुरू किया हिवाता को और इसी तरह से लर्न कर लिया मतलब तो याद कर लिया समझ गया क्या बर्ड्स इट्स लैंग्वेज हर एक चिड़िया का उसका लैंग्वेज समझ गया जैसे होता है ना कुछ चिड़िया चींची चींची करके बोलती है कुछ कहाँ का बोलते हैं कुछ अलग आवाज़ निकालता है तो वे ये वादा को सब पता चल गया था लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स और उनके सबके नाम भी पता चल गया था और उसके जो सीक्रेट्स होते हैं जैसे चिड़िया के भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं जैसे कब चींची कह के, के बोलते हैं तो कब मतलब भागने को बोलती है कब खाने को बोलते हैं वो लोग आपस में कुछ बात करते हैं हाउ दे बिल्ट their नेस्ट इन समर्स और हिवातों को ये भी पता चला गया था कि समर मतलब गर्मी के मौसम में जो चिड़िया लोग हैं वे कैसे अपना नेस्ट मतलब अपना जो नेस्ट है कैसे बनाते हैं पेड़ पे वेयर दे हिट दैम सेल्स इन विंटर और ठंडी के मौसम में क्या होता है अधिकतर जो चिड़िया है जो जानवर है वह छुप जाते हैं क्यों छुप जाते हैं क्योंकि ठंड इतनी तगड़ी होती है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो शायद वो मर भी सकते हैं तो हिवाता को यह भी पता था कि ठंड के मौसम में वे लोग कहां कहां छिपते हैं टॉक्ड विद डैम वेन ही मेट दैम चिकन्स और टॉक्ड विद बात करता वेन एवर देखो ये दिया ना वेन करके ये इसको कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं मैंने क्लास में पढ़ाया भी था जैसे कैन नोट को हमने कांट बोल दिए डू नोट को डोंट बोलते हैं <coughs> उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना चलिए जब भी हिवाता चिड़ियों से मिलता है तो उनसे बात करता है और क्या बोलता है कॉल डैम हिवातास चिकन और उसको क्या बोलता है हिवातास के ये चिकन है हिवातास के चिड़िया है किससे मिलता है जब बर्ड से मिलता है तब उनको इस नाम से पुकारता है किस नाम से हिवातास चिकन के नाम से क्लियर है चलो नेक्स्ट है ऑफ ऑल बेस्ट ही लर्न द लैंग्वेज बेस्ट मतलब अभी मैंने क्या बताया था बताइए भूल गए जंगली जानवर और जो भी जानवर है जो भी जंगली जानवर है उनका भी लैंग्वेज इनको पता है किसको पता है को। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स उसके उसके नाम भी पता है किसके नाम जो भी जंगली जानवर है उसका नाम भी पता है और उसका सीक्रेट्स भी पता है हाउ द वीवर्स बिल्ट देयर लॉजेस और वीवर्स मैंने आपको बताया था कौन सा वीवर्स ये वाला ये किस तरीके से अपना मतलब कि रहने की जगह बनाता है वो जहां रहता है वो किस तरीके से उसको बनाता है कहाँ बनाता है ये सब बताता वेन द स्क्वास हिट देयर अकाउंट्स वेयर कि जो स्क्वायर है स्क्वायर मतलब गिलहरी गिलहरी अपना जो अकाउंट है जो नट है वो कहाँ छिपाती है हाउ द रेन और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि आपको यकीन नहीं होगा कि जो गिलहरी है ना वो हम लोगों से ज्यादा हम लोगों का मतलब क्या है कि हम जो ह्यूमन बींग है उससे ज्यादा पेड़ लगाती है आप कहेंगे यार सर कैसे पॉसिबल है उसको कैसे सेंस है है क्या होता है ना जब गिलहरी को एकाउंट्स मिलता है तो वो मिट्टी के अंदर दबा देती है छुपाने के लिए और फिर उसको भूल जाती है तो क्या होता है बाद में वो बीज बनकर उसका पेड़ बन जाता है और इस तरीके से स्क्वायरल जो होते हैं ना उसने करोड़ों पेड़ लगा दिए हैं बहुत सारे स्क्वायरल यही कहानी होती है वो छुपाने के लिए मिट्टी के अंदर दात तो देते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं जगह और इसी वजह से वो पेड़ बन जाता है बीज बन जाता है फिर पेड़ बन जाता है है ना इंटरेस्टिंग बात तो जब भी आप गिली को देखें तो उसको समझें कि ये हमसे ज़्यादा ना पेड़ लगा रही है उसको प्यार करें किसी भी जंगली जानवर को मारे नहीं उसको केयर करें क्लियर चलो हाउ द रेंडियर रैन सो स्विफ्टली और हिवाता को ये भी पता है कि जो रेंडियर है जो हिरन है इतनी तेजी से कैसे भगता है स्विफ्ट मैंने आपको याद दिलाया था ना स्विफ्ट क्या है एक कार भी है उसका नाम क्यों है क्योंकि वो तेजी से बगता है तो स्विफ्ट का मतलब आपको अब आप याद हो जाना चाहिए कि स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी से चलिए वाई द रेबिट वॉज सो टीमिट टीमिट का मतलब क्या होता है डरपोक जो रैबिट है इतना टीमिट क्यों है इतना डरपोक क्यों है कैसे डरपोक है अगर अगर आपके सामने कोई भी रैबिट आ जाए और आप उसको पकड़ने के लिए जाएंगे तो बहुत ही मतलब मतलब भग जाएगा वहां से इतना डर पुख होता है टॉक विद डैम वेन एवर ही मेड दैम और इन सब जंगली जंगली जानवरों से जब भी ही वाता मिलता है उनसे बात करता है कॉल्ड दैम हीवातास ब्रदर और क्या बुलाता है उन लोगों को जंगली जानवर को कि ये मेरे भाई हैं ये हिवातास के भाई हैं तो चिड़ियों को क्या बुलाता था हिवातास चिकन और ब, आ, इसको एनिमल्स को क्या बुलाता है हिवातास ब्रदर्स क्लियर हो गया ना तो आई थिंक आपको इसमें थोड़ा मजा आया होगा आपको करना क्या है इसको आ, पेंसिल लेके लाइन बाय लाइन खुद पढ़ना है हो सकता है कि कुछ मीनिंग्स आपको समझ में ना आए हो तो डिक्शनरी देख के लिखना है बुक्स का जो एक्सरसाइज है उसको भी करना है क्वेश्चन आंसर मीनिंग जो भी उसके पीछे एक्सरसाइजेस उसको करना है क्लियर है और इसको प्रोनाउंस भी करना है थोड़ा सा ये मुश्किल पोयम है लेकिन इसको मैंने पढ़ा के आसान बना दिया है ठीक है बेटा चलो रिवाइज करते हैं दो बार तीन बार पढ़ते हैं पापा मम्मी की बात सुनना है जो भी बोले उनकी बात सुनना है ठीक है बेटा देन बाय बाय टेक केयर